हेलो भाई, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो आखिर में नौजवानों की जीत हुई, छात्रों की जीत हुई और सरकार को मुद्दों को लेकर जो भी छात्रों के मुद्दा था, जो भी उसकी मांग थी, उसके सामने झुकना ही पड़ा। पहले एसएससी की बात थी, एसएससी भी झुक, एसएससी ने भी अपना रिजल्ट का डेट निकाल दिया और अब एनटीपीसी यानी आरआरबी जो था, रेलवे के चेयरमैन खुद विनोद कुमार यादव आज YouTube पर लाइव आकर के खुद एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है उसके बारे में अनाउंस किया है। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि इसका एग्जाम कब होगा। तो आज खुद विनोद कुमार यादव जो आरआरबी के चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि COVID-19 से पहले, हालांकि इन्होंने झूठ कहा था, COVID-19 से पहले कहा कि ये वैकेंसी आई थी जो 1,40,000 के लगभग, ये वैकेंसी थी 1,40,000 की वैकेंसी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि COVID-19 से पहले वैकेंसी आई थी, लेकिन ये गलत है। ये वैकेंसी मार्च 2019 में यानी कि लोकसभा का जो चुनाव था उससे एक महीना पहले वैकेंसी आई थी। लोकसभा का चुनाव अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और मार्च में वैकेंसी आई थी और इसमें 2,42,00,000 लड़कों ने फॉर्म भरा। 2,42,00,000 इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि 2,42,00,000 लड़कों ने फॉर्म भरा जिसके लिए 1,40,000 वैकेंसी थी, जिसमें से एनटीपीसी का 40,000 था और ग्रुप उसके बाद जो बचा था ग्रुप डी और ये मिनिस्ट्री का था, ठीक है। जिसमें से विनोद कुमार यादव ने आज खुद कहा कि जो इसका एग्जाम था जो अटका हुआ था बहुत दिनों से, इसका एग्जाम अब स्टार्ट होने वाला है, यानी आपके पास अभी 3 महीने का समय है। ये एग्जाम 15 दिसंबर से होगा, ये एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन सीबी एग्जाम होता है, 3 चरणों में एग्जाम होगा जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप अपने मेहनत पर लग जाइए, फिर से कॉपी किताब को निकालिए, पेन को निकालिए और लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत कीजिए और अपनी जॉब को लीजिए। पिछले 5 दिन से जो ट्विटर पर धुआं धुआं हो रहा था, पहले तो एसएससी का रिजल्ट के लिए हुआ, फिर उसका भी डेट आ चुका 4 अक्टूबर को, और अब एनटीपीसी आरआरबी का एग्जाम के लिए जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था इसका भी डेट निकल के आ चुका है। ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दों को आगे बढ़ाते रहेंगे और फिर जीत होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार सुनती नहीं है, सरकार सुनती है, लेकिन उसके लिए धमाके करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। सरकारों के कान बहरा है लेकिन उतना भी बहरा नहीं है, थोड़ा सा चोट लगने पर वो सुनती है। तो आप लोग भी बस ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को ट्रेंड करते रहिए, जब भी कोई मुद्दा उठे तो एकता बना के रखिए, क्योंकि जब एसएससी की बात आई थी तो रेलवे वालों ने भी साथ दिया था और जब रेलवे की बात आई तो उसमें एसएससी वालों ने भी साथ दिया था। तो एसएससी रेलवे ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बात होगी और सब साथ मिलकर के लड़ेंगे ट्विटर पर, चाहे डिजिटल हो चाहे जमीनी स्तर पर हो, हमेशा साथ रहना चाहिए। वो चाहे एसएससी की बात हो चाहे रेलवे की बात हो, हमें सिस्टम को सुधारना है और सिस्टम सुधरेगी। हालांकि हर सब चीज में समय लगता है, ये सरकारी चीज है, ऐसा जल्दी तो होने वाला है नहीं। चलिए 15 दिसंबर से अभी 100 दिन लगभग बाकी है आपका एग्जाम, तो 100 दिन बहुत दिन होता है, मेहनत कीजिए और लग जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, जय हिंद।